मैं चाहता हूं एरे फॉर्मूला के थ्रू दो डेट के बीच में कितने नंबर ऑफ संडे और कितने नंबर ऑफ सैटरडे है उसको कैलकुलेट करें। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है एरे में तो पहले आप मैनुअल करें। तो मैंने इसको मैनुअल करने की कोशिश की है, मैं इक्वल किया, इसको सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया, और फिर इसमें प्लस वन करके हम लूप क्रिएट कर रहे हैं कहाँ तक, 31 जुलाई, 31 जुलाई। जुलाई तक। ठीक है, देखिए ठीक एरे है। फॉर्मूला से ही पता चलता है कि आपको कितना फॉर्मूला आता है और फॉर्मूले में कैसे सोच रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। फिर टेक्स्ट मैंने फॉर्मूला भी लगाया और यहाँ पे DDD कर दिया, डी ठीक है फिर इफ कंडीशन लगाऊंगा और बोलूंगा कि लगाऊंगा। इफ अगर ए इक्वल टू सैटरडे है सैटरडे तो तो वन अगर वन भाई जीरो अदरवाइज 0। ठीक है, ठीक है। और फिर सम फॉर्मूले से इसको सम कर देंगे। ठीक अब किसी कंसेप्ट को हमें संडे इसके अंदर आ, तो फाइनल रिजल्ट में हमें सम से मिल रहा है। तो जैसे कि आपने इस तरह से लगाया है ना, फिर एरे में हम इसको अपोजिट कर देंगे इस तरह से, बोलूंगा। हाँ तो पहले लिखेंगे ठीक सम, उसके ठीक बाद है। हाँ लिखेंगे हम सम के बाद हाँ लिखेंगे इफ, इसके बाद लिखेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट अब टेक्स्ट में हम एक डेट तो नहीं सेलेक्ट कर सकते ना सर, नहीं तो लेन तो इस पे हम प्लस करेंगे, सीक्वेंस लगाएंगे, रो नंबर 1, कॉलम इसमें नंबर 1, स्टार, ठीक नहीं रो है नंबर वन वन नहीं, से। हाँ रो नंबर 1 नहीं होगा, रो नंबर में मैं डेट्स का मतलब फॉर्मूला लगाऊंगा क्योंकि 31 चाहिए ना मैं, ठीक और कॉलम नंबर 1 नहीं, इसमें से हम 31 में से माइनस कर देते हैं 1। ठीक है, क्योंकि फिर 31 प्लस 1 इक्वल 2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ और यहां हमने बोला है स्टार्ट 0 से करना है और खत्म स्टेप जो है एक एक का लेना है। स्टार्ट जीरो से। अच्छा जीरो से करना हो तो शुरू में जीरो हाँ है क्योंकि, इसलिए। हाँ क्योंकि 0 इसमें देखिए, यहाँ पे अगर 1 जुलाई प्लस 1 होगा तो क्या आएगा, 2 जुलाई होगा ना। हाँ तो 0 जुलाई से स्टार्ट करेगा तो 1 जुलाई हो जाएगा। इसलिए ठीक है। तो यहां हम ये चीज करेंगे, और इसके बाद ये हो गया, सीक्वेंस हो गया। अब यहां कॉमा लगाएंगे और 3 बार करेंगे DDD इक्वल टू सैटरडे, तो 1 अदरवाइज 0, सिंपल। जीरो आप इसको कंट्रोल शिफ्ट एंटर और फिर एंटर, रिजल्ट 5 आ गया आपका। ठीक है। अब सेम ठीक है वाले में सैटरडे या जी, सर समझ में आया कि नहीं समझ में आया आपको सर? ठीक है। अभी मेरे को आ गया बट मेरे को यहाँ नहीं समझ में आया कि टेक्स्ट में आपने वो लेके फिर सीक्वेंस टेक्स्ट में वो तो लेके क्या होगा सीक्वेंस कि आपने। हमें सीक्वेंस नहीं चाहिए, मुझे मान लीजिए मुझे यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे मैं रो भी दे सकता हूँ कि रो 1 से लेके 30। पता है कि मुझे इसको कर्ली ब्रैकेट में देना है, कर्ली ब्रैकेट में देना है 0,1,2,3,4,5,6,7,8 हाँ9 ठीक 10 है इस तरह इस से देना है। तरह। ठीक है ना, तो अब प्रॉब्लम ठीक होगा कि 31 तक लिखना आपके लिए भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और डायनेमिक भी नहीं रहेगा ना, इसी हाँ इसीलिए मैंने यहाँ पे सीक्वेंस फॉर्मूला लगाया। और यहाँ एंड डेट हमारा जो देखा 31 है, अब यहाँ पे डे जो हमने दिया ना ये भी गड़बड़ किया है, इधर डे नहीं देना चाहिए था हमें, क्या करना चाहिए था हमें ब्रैकेट में करना चाहिए था एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट, डिफरेंस कि दो डेट के बीच में डिफरेंस कितने दिन का है, ठीक और फिर इसको करना चाहिए। तब यहाँ पे 4 आया, तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि जुलाई में क्या था, इस फॉर्मूले में चेंज करेंगे, अगस्त जुलाई, तो जुलाई में अगर सैटरडे गिना जाए तो 5 सैटरडे ना, 1 2 3 4 5,
ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे? क्योंकि जब नंबर ऑफ डेज निकला तो हमें माइनस वन जो हम यहाँ किए हैं ना, ये नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना? वैसा क्यों? क्यों माइनस, तो जब दो डेट के बीच में मान लीजिए डिफरेंट, अभी 31 जुलाई माइनस 1 जुलाई कितना डेज आएगा, कितना दिन आएगा सर? 30 दिन। जी हाँ, 30 दिन आएगा ना। हाँ तो हमने 0 से 30 किया तो 31 होना गया सर। जीरो से 30 का तो 31 हो कितने गया, स्टेप, 0 से 30 लेकिन में यहाँ तो 30 कितने, ही हो रहा जीरो है। से तीस में कितने स्टेप होंगे? 30 स्टेप होंगे, 31 स्टेप होंगे, 0 को काउंट करके 31 होंगे। 31 हो गया। 31 स्टेप दे दिया हमने, 1 से 31 तक का डेट मिल गया मुझे। तो हाँ, बट यहाँ तो 30 ही हो रहा है ना। 0 से शुरू किया ना मैंने यहाँ पे, हाँ, 0 से शुरू किया, ठीक है, तो 31 31 हो हो गया गया, ना ठीक है। स्टेप। हाँ, तो पहले एक के से डेट एक, यहाँ पे देखिए, ठीक है, 1 जुलाई ठीक में 0 जुड़ा तो 0 जुड़ा एक है, आया, समझ फिर दो, एक गया जुड़ेगा समझ दो गया आएगा, फिर 3 आएगा ना सर। समझ गया समझ गया, ठीक फिर 31 30 जुलाई में, 30 जुलाई में 1 जुलाई, फिर 1 जुलाई में 31 दिन जुड़ेगा तो कितना आएगा सर? 31 दिन आएगा ना। है। हाँ अब इसी कंसेप्ट में हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसको किया था आपने, आपसे हुआ कि नहीं? ये वाला मैंने कर तो दिया था, बट इस वाला मैंने मैनुअल किया था। जैसे आपने पहला किया ना, वैसे मैंने दूसरा किया था तो कल। सबसे पहले मुझे इसमें ईओ मंथ लगाना है। क्या लगाना है? ईओ मंथ, और मुझे इसका लास्ट डेट पता करना है। समझ गए? समझ गया। कंसेप्ट वही है, जो कंसेप्ट इसमें कि मैं इसमें +1 करके नीचे के तरफ ड्रैग करता हूं, हाँ, तो ये मैंने ऐसे ही किया था कल, मतलब तो परसों ही ऐसे कर दिया करने के था। बाद फिर आपको एरे में डालना है ना, ऐसे करने से काम नहीं चलेगा ना सर। हाँ, वही तो दिक्कत है, वो वही तो एरे बात है कि लगाने का तरीका है, आपको रिकॉर्डिंग भी दे दी है, आप उससे नहीं समझेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी सर। में टेक्स्ट, इसको सेलेक्ट, टेक्स्ट लिया, इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ पे डी 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 3 बार डी डी दे दिए। नहीं था ना। ठीक है, उसके बाद यहाँ इफ कंडीशन होगा। अब इसमें थोड़ी सी चेंज होगी, अगर इक्वल टू सैटरडे है तो क्या आएगा? डेट आएगा, नहीं डेट आ तो गया क्या है? फॉल्स, जीरो। हाँ, जीरो फॉल्स नहीं, किया, जीरो जीरो नहीं, जीरो। फॉल्स हाँ, कीजिए। ओके, फॉल्स फॉल्स की जरूरत है इसमें। ठीक है। ओके, अब हमारे पास एक, मुझे क्या चाहिए? सेकेंड सैटरडे चाहिए। एक स्मॉल हाँ, का फॉर्मूला जो कि मैंने बताया था, बताया था। क्योंकि फॉल्स को कंसीडर नहीं करता है, हाँ, तो ठीक इसने क्या किया? दूसरा निकाल दिया, 10 सितंबर आ गया ना, तो सबसे छोटा दूसरा ले लिया, और लास्ट संडे के सबसे लिए लास्ट छोटा लगा नहीं दीजिए। है, सबसे छोटा दूसरा कैसे ले लिया फिर? अच्छा, तीस आपने क्या किया सितंबर 10 सितंबर है? हुआ ना, तो स्मॉल तो क्या करता है? मिनिमम मिनिमम स्मॉल क्या देता है, देगा? सबसे कम देगा पहले, फिर फिर उससे बड़ा। उसके ऊपर का देगा। तो तो आपने यहाँ ये पे दो दे दो दिया ना, केस तो है। दो दूसरे नंबर का अच्छा, पोजीशन दे आप दिया। डेट आपने ये दे दिया, स्मॉल लगाया, पूरा सेलेक्ट किया, और नंबर में आपने दूसरा नंबर दे दिया पहला देने के बजाय, जी हाँ, तो दूसरा छोटा आया है और ना, दूसरे नंबर वाला। हाँ, ठीक है, चलो समझ ये गए? हो गया। तो आपने देखा कि फाइनल रिजल्ट हमें कौन दे रहा है? स्मॉल दे रहा है। इसी को अपोजिट हाँ, कर दीजिए, इक्वल स्मॉल, उसके बाद हम देंगे इफ, देंगे टेक्स्ट। अब ये सारा डेट, जो डेट यहां डला हुआ है, पूरा डेट कैसे डलेगा? इसमें प्लस करना है, माइनस आप कर्ली वन वन, ब्रैकेट में आप 1 से 31 तक दे दें, या तो फिर सीक्वेंस दे दो, सीक्वेंस सीक्वेंस लगा दे दें। दो, रो तो सीक्वेंस में क्या होगा? तो ब्रैकेट में, नंबर, ठीक अब इसमें क्या कि इसमें इसी मंथ का चाहिए ना, तो डायरेक्ट है। आप हाँ, इसके अंदर दे सकते हैं डे फॉर्मूला, डे में सेलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है? डे, और फिर यहां हमने बोला कि कॉलम 0 होगा, स्टार्ट 0 से होगा, स्टेप 1, और हमने बोला टेक्स्ट कॉलम को क्या बोले सर? कॉलम 0 क्यों? हाँ, कॉलम 1 होगा, माफ कीजिएगा, वही तो। हाँ,
डी, अब यहाँ पे इक्वल टू हमने कर दिया सैटरडे। अगर सैटरडे, अगर ऐसा है तो, ऐसा हो तो मुझे तो डेट ही चाहिए ना, तो जो आपने ए हाँ और सीक्वेंस वाला जो लिया हुआ है इसी को कॉपी करके यहाँ डाल, अच्छा ठीक ठीक है, है ठीक है। अदरवाइज कर दीजिए फॉल्स, फिर स्मॉल इफ का मैं हो गया खत्म, स्मॉल को दे दीजिए हाँ सेकंड। ये देखिए 10 सितंबर, गलत है। क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है कोडिंग में। और फॉल्स के उसके बाद बाद ये ये ब्रैकेट नहीं ब्रैकेट, स्टार्ट होगा। ये ब्रैकेट क्लोज होगा तब ना स्मॉल में इसमें जाएगा, सही तो है, कुछ और हाँ प्रॉब्लम है, ठीक कुछ और प्रॉब्लम है, सीक्वेंस में आते हैं, सीक्वेंस में रो है। नहीं सीक्वेंस में कॉलम तो फिर नंबर वो क्या वन है। स्टार्ट 0 से, और ये ऐसा सारा एरर में है ये। ठीक सीक्वेंस रो कॉलम स्टाफ स्टेप टेक्स्ट इफ स्मॉल, सही तो है। अच्छा हाँ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर एंड एंटर, अच्छा वही नहीं किया था तो हमने, एरर फॉर्मूला। ठीक है डन, ठीक एक्सेल का आदत है ना सर, तो बैठिंग दे देता ठीक है, ठीक है समझ गया। समझ गए। अच्छा मेरे को देखो, अभी मेरे को आंसर एक चीज बढ़िया चीज समझ में आ गया, क्योंकि ये कल मेरे को नहीं आया था। अब ये चीज समझ में आ गया, आपने बोला ना कि लास्ट का जो डेटा किस चीज से आ रहा है, तो ये आ रहा है स्मॉल से। तो पहले हमें स्मॉल से काउंट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब इन फ्यूचर कभी भी मुझे करना पड़ेगा तो पहले मैं मैनुअल कर लूंगा। तो मैनुअल करने पे लास्ट का डेटा जिससे आएगा उससे एरे फॉर्मूला स्टार्ट होगा, है ना। आप पहले तीन काम कर लो, इधर से स्टार्ट करेंगे, उसके दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, फिर लास्ट वाला स्टेप। ये चीज भी अभी देखो, ये चीज अब वही है ना ए ए करना क्वेश्चन चाहिए। आपने नहीं किया है तो मैंने विदाउट एरे था करना चाहिए था ना आपको, इसको आपको ये यहाँ वाला पे नहीं नेटवर्क किया, डेज फॉर्मूला निकालना है, और कल कल देख के स्टार्ट किया था, स्टार्ट डेट एंड डेट किया था आपने, हो गया था आपका। कल कल देख के नेटवर्क वाला, यही वाला किया। पहला वाला भी सेम था क्या। नहीं नेटवर्क डेज हुआ, ये हो गया, तो 8 घंटे की आपके, 9 घंटे हो गया, तो 8 घंटे की आपकी शिफ्ट है, राइट, 8 घंटे की शिफ्ट है ना, हाँ मैंने कि 18 माइनस हमने 9 कर दिया, तो 9 घंटे की शिफ्ट हुआ, तो इसने अब मान लीजिए कि 1 जुलाई के स्टार्ट किया और 6 जुलाई को खत्म किया है, तो इसने एक को काम किया, एक को काम किया, दो को काम किया, तीन को काम किया, तो एक इसको मैनुअल चेक कर लीजिए, ठीक है ना। बस समझा ही नहीं अभी भी, तो सब क्या है। वैसे नीचे तक ड्रैग करते 6 तारीख तक आगे, सॉरी सॉरी 7, ये तो 1 जुलाई, एक तो 8 क्यों हो रहा है, ओ सॉरी, हाँ एक ये एम एम डी डी वाई महीना वाई एक हो गया नहीं, ना, महीना एक आ नहीं एम रहा एम है। डी डी वाई वाई नहीं ना होता है, हाँ अब होगा, हो गया तो छह भाई। तारीख तक, ठीक है। अब इसमें मैं ठीक टेक्स्ट फॉर्मा लगा के सैटरडे संडे देखता हूँ कितना है, ठीक है टेक्स्ट तो यहाँ पे टेक्स लगाया ये डी 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 डी, आ गया, 4 बार डी करेंगे तो तो पूरा हाँ, अपडेट आ तो जाएगा। पहले तो 7 तारीख काउंट करेंगे 0, 7 तारीख काउंट नहीं करना है, सैटरडे 0 होगा, संडे 0 होगा, फिर मंडे 1 2 दो दे, ये आपका तो जीरो होगा, फ्राइडे, फ्राइडे जीरो कर दिया क्योंकि आपने। अच्छा तो फ्राइडे को 14 बजे ने हुआ, पूरा दिन थोड़ी हुआ है, फ्राइडे को दो, ठीक है 2 बजे से हुआ है, तो फिर काम तो आखिर उसी इसको दिन अगर से हम स्टार्ट हो नंबर गया पे ना। ले लेंगे तो पूरा दिन में काम कर देगा वो, 9 घंटे काम करेगा, ना ठीक है, तो 2 बजे गया है,
दो बजे से बारह हाँ तो बजे तक अगर इसके यहाँ पास टाइम आपको है तो इसमें सही है। माइनस, हाँ जब भी नेटवर्ट एक्स के फॉर्मूले में माइनस टू करना था, 2 दिन का वेफर स्टार्ट डेट और एंड डेट को माइनस करना होगा 2 दिन, तो 2 दिन हुआ तो 18 घंटे तो उसने पूरा काम किया, राइट? ठीक है, उसके बाद मुझे 18 में से माइनस करना है क्या, स्टार्ट जी डेट को, स्टार्ट दिन कितना काम किया था, स्टार्ट दिन उसने 4 घंटा काम किया और एंड दिन में 15 में से 15 जो है ना उसमें यहाँ पे माइनस करना है 9 9 घंटे, तो 6 घंटा काम। अब इन तीनों को जोड़ लो कितना घंटा काम, 30 घंटा 28 घंटे हुए ना सर, 18 6 24 और 6 30 घंटा हो गया ना सर। नहीं 28 घंटा। हाँ 28 घंटा। ठीक इतना मैथ, मैथ है। वीक अरे तो मेरा नहीं है कि मैं गलती कर दूं, मैं उसको 6 काउंट कर लिया था, सू बीच वाले को भी। अब ठीक है, समझ गए लेकिन ये ना? मेरे को नहीं समझ में नहीं आया, मेरे को ये समझ में नहीं आया सुन, मुझे नहीं सुन सर। पाया। ना अब नहीं, एक जो यहाँ तक आएगा, मेरे को आ सुने गया, सुने सुने डेट और मंथ डे तक आ गया, लास्ट वाला सुने नहीं सुने आया, जीरो सुने जीरो और वन। सुने 14 1 जुलाई को उसने 2 बजे काम किया, तो 1 जुलाई को पूरा दिन नहीं अरे माना जाएगा, और तो छह उसकी जुलाई सिर्फ को उसने 3 बजे प्रोजेक्ट सबमिट किया है, इस दिन भी पूरा दिन नहीं माना जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दिन नहीं उसका यार स्टार्ट कब से हो रहा है, टाइमिंग स्टार्ट कब से है, 9 बजे ये है ना से। 14 बजे, 14 बजे तो चौदह वो बजे उसने से काम काम करना स्टार्ट करने किया, जाए बट तो मतलब उसका शिफ्ट शिफ्ट रोटेशन क्या है, क्या पता उसका शिफ्ट ही नौ 2 बजे से, से यार हो। शिफ्ट दिया हुआ है 9 से 18 है ना दिया हुआ, अच्छा, सिर्फ 9 से 9 बजे से लेके मंडे 18 बजे से तक, मंडे टू फ्राइडे, मतलब कि सुबह के सुबह के 9 बजे नौ से लेके से शाम को शाम को 8 6 बजे छह, तक है, मनाया कि नहीं? यही है ना। हाँ तो 9 बजे इसको जाना था और ये हाँ उतना गया, तो ठीक 4 घंटा उस दिन काम किया। ठीक है, है, 14 4 18, ठीक है, 4 घंटा चार उस दिन घंटा काम किया, मात्र इसको आपने जिस 0 दे दिन दिया, जमा चार किया घंटा उस भी दिन नहीं। 6 घंटा काम तो किया, 4 घंटा आपने इधर दे दिया, और वहां इसको करना था 6 बजे तक काम, तो इसने काम किया वहां पे 15 बजे तक, मतलब तो यहाँ पे इसने 3 घंटा ही तो काम किया ना। 3 घंटा काम किया, 9 बजे शिफ्ट स्टार्ट हुआ है, 6 घंटा काम करेगा, सर 9 बजे से स्टार्ट हुआ था, 9 बजे तक तो काम कर ही रहा है, हाँ तो 3 बजे 9 बजे तक से काम तो कर किया ही रहा ना, है, 3 बजे तक काम किया, जबकि उसका शिफ्ट 6 बजे छुट्टी हो जाता, तो 3 घंटा ही काम किया ना उस तीन दिन। घंटा तो काम किया या 3 घंटा काम किया? 3 घंटा कम किया, मतलब हाँ छह छह घंटा काम तभी तो सौ किया घंटा, 3 6 घंटा निकाला मैंने, हाँ, तो 6 घंटा ये हो गया, 4 घंटा ये हो गया, खत्म। और 2 दिन अब से यहाँ पे आप पूरा कह काम रहे हो किया, 2 दिन इसने और एक्स्ट्रा किया, तो ये 2 दिन 2 दिन कैसे पूरा आया, मेरे काम को किया यही ना नहीं। मंडे ट्यूजडे। देखिए एक यहाँ देखिए, यहाँ सुनिए कि इसने हाँ यहाँ पे देखिए, इसने फ्राइडे जो है हमारा, फ्राइडे को इसने 4 घंटा काम किया, सैटरडे ठीक संडे है, ऑफ डन। था तो 0 0 हो जाएगा, ठीक है। मंडे को हाँ इसने 9 घंटा काम किया, ट्यूसडे 6 घंटा, भी इसने 9 घंटा हाँ काम 9 घंटा, किया, ठीक है, फिर नौ और घंटा वेनसडे फिर को छह इसने घंटा 6 घंटे काम किया, सिंपल हाँ सब मिला के 28 घंटा हुआ ना। 28 घंटा। तो अब मैंने 28 घंटा हाँ क्या किया, इस तरह से नहीं जोड़ सकते ना, तो मैंने क्या किया कि दोनों डेट के बीच का डिफरेंस निकाला नेटवर्क डेज के थ्रू, तो कितना आया, 4 आया, ठीक है, क्योंकि उसने सैटरडे संडे को कंसीडर नहीं किया, बाकी तीनों को कंसीडर किया, तो हम इस अच्छा, तो चीज को इसमें जान, हाँ कि रिजल्ट क्या आया, 4 आया, यहाँ देखिए 4 आया, अभी 4 आ गया, ठीक है। 4 है, लेकिन 4 4 गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि उसने स्टार्ट डेट को पूरा दिन काम नहीं किया और एंड डेट को पूरा दिन काम नहीं किया, किया तो हम इसमें से 2 दिन माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे वही चाहिए जो पूरा दिन काम हुआ, तो 2 दिन पूरा दिन काम हुआ हुआ ना मंडे ट्यूजडे, ठीक है, तो 2 को मैं 9 घंटे से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या और हो गया, तो ठीक है, 18 घंटे हो 18 घंटा ठीक गया। और फिर है, और जिस जो दिन दिन हमने उसने, जो माइनस किया था हाँ उसमें जिस चार दिन घंटा और उसने 6 घंटा शिफ्ट, काम कर जिस दिन दिया। उसने काम स्टार्ट किया उसकी रिपोर्टिंग हाँ क्या बोलते हैं, आउट टाइम माइनस स्टार्ट टाइम मैंने ये उसको स्टार्ट डाल दिया, टाइम, और जिस दिन प्रोजेक्ट ठीक सबमिट किया सबमिट टाइम माइनस स्टार्ट टाइम, है, स्टार्ट और फिर टाइम तीनों को जोड़ दिया। अब इन सारे कैलकुलेशन को आप यहाँ एक्सेल में लगा लो, आ जाएगा
मेरा फॉर्मूला आपका इक्वल टू सम सम, एक है सेल में ना। सबको लगाना है, अब कैसे लगाना है देख लीजिए सर, पूरा नहीं बताऊंगा सर क्योंकि तो टेस्ट आपकी टेस्ट मैं कर रहा हूं, तो कम से कम इतना तो है कि आप इतना करेंगे उनसे क्या। ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, ये अब इसको सबमिट, इसको बताया देखा भी तो क्वेश्चन नंबर बहुत, ये तो कर दिया था मैंने, एक तो मैं आपको क्लास में ही बताया था। दिन पहले आप बता के गए थे ना, तो क्वेश्चन नंबर वो 5 हुआ आपसे, कर दिया नहीं ना, हर बीच में डैश लगा देखिए देते हैं। देखिए इसके लिए क्या होगा, मान लीजिए मैं यहाँ पर राज लिखता हूँ, छोटे वर्ड से लिखता हूँ, ठीक है, फिर ठीक है मैं यहाँ मिड का फॉर्मा लगाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और कर्ली ब्रैकेट में एंड दूंगा एंड अच्छा ठीक है, 1 2 1 3 2 3 और हमने नंबर 1 दे दिया, एंटर प्रेस ठीक किया, है, तो लेकिन आर कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट एम से से करना होगा सेंटर, ना, हाँ ठीक तो है आ ठीक गया RAJ, राज आ गया। फिर है, टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला आपके सिस्टम में है, उसमें मुझे अच्छा देना है डैश डिलिमिटर, ब्लैंक करना है ट्रू, टेक्स्ट क्या सेलेक्ट करना है इसको सेलेक्ट करना है, रिजल्ट क्या आएगा, आ गया। अच्छा टेक्स्ट ज्वाइन का फॉर्मूला है, ठीक तो है सेम थिंग यहाँ हम सेम चीज लगाएंगे, हाँ मैं करूंगा, कब से यहाँ पहले, करूंगा, हाँ यहाँ करेंगे, फाइनल रिजल्ट क्या दे रहा है, टेक्स्ट ज्वाइन दे रहा है ना, तो ठीक है टेक्स्ट डन ज्वाइन डन, टेक्स्ट लगाएंगे, ज्वाइन यहाँ पे कॉमा देंगे डेलीमीटर लेंगे और फिर ट्रू कॉमा, ट्रू और ये डैश मार्क, डैश डैश दिया ट्रू ठीक दिया है और ठीक टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर में देंगे मिड, मिड में इसको सेलेक्ट हाँ करेंगे। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट तो नहीं दे सेलेक्ट सकते, तो इसके करेंगे, लिए नहीं हम क्या लगाएंगे, सीक्वेंस सीक्वेंस, सीक्वेंस सीक्वेंस ठीक सीक्वेंस, रो नंबर, रो नंबर नहीं होगा क्योंकि हमें कॉमा देना है, क्या देना है, है, कॉमा देना है, रो भी नहीं दे डैश सकते हैं, देना है, रो भी दे सकते हैं, रो में दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेन हमने हाँ लेन दे लेन दिया, दे दिया, ये दे दिया, स्टार्ट नंबर कॉलम नंबर 1 स्टार्ट 1 से और स्टेप 1, हाँ ठीक है डन, और यहाँ पे दे दिया कंट्रोल नंबर शिफ्ट ऑफ लेंथ एंटर 1, वन से एंटर और फिर हमने टेक्स्ट को कन्वर्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कोई नहीं, आप इसको काट दो, मैं खुद ठीक ही करूंगा, है। हाँ अब ये फाइल मैं आपको शेयर, ये पूरा शेयर कर रहा हूँ आपको, हाँ अब आपको जो है इसका बाकी 4-5 क्वेश्चन देख लीजिए, बाकी क्वेश्चन इसी तरह से ट्राई कीजिए, नहीं हाँ होगा तो मैं फिर ट्राई कल मुझे करूँगा, बताना ही पड़ेगा, क्या करेंगे, कोई नहीं, मैं ट्राई तो करूँगा, मैं ट्राई तो कर रहा हूँ सर उस पर, ठीक है, एडिट का आपने मेरे को दे दिया, एक काम कर रहा हूँ, मैं व्हाट्सअप नहीं कर रहा हूँ सर, व्हाट्सअप कर लीजिएगा क्योंकि मेरा व्हाट्सअप नहीं है, ब्लॉक हो गया हुआ है, मैं तो मैं आपको चैट हाय पे लिख भेज, देता मैंने हूँ ना, चैट पे भेज दिया, नहीं सिस्टम पे लॉगिन नहीं है, चैट पे, जूम चैट पे भेजा है, वहाँ से कॉपी कर लीजिए।